आप सभी को मैं एक विशेष सूचना देने के लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो आप 3 विषय के रिजल्ट का डेट फाइनल, उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है, उसके यानी उसी को बताने के लिए मैं आपके सामने ये हाजिर हुआ हूँ। उनका बयान है कि जो लोग पास हुए, वैसे तो ये पुराना है लेकिन इसको रखिएगा अच्छा से, जो लोग पास हुए उनकी सीधी नियुक्ति होगी। जी मंत्री जी पहले भी बता चुके, ये पेपर कटिंग पहले का है, लेकिन फिर से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि जो लोग पास है उनकी सीधे नियुक्ति होगी, यानी छठे चरण से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये जो है एसटीटी अभ्यर्थी, जितने अभ्यर्थी पास हुए उतने ही की सीधे नियुक्ति की जाएगी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने यह भी बता दिया कि 7वें चरण से इसका कोई संबंध नहीं है, यह अलग प्रकार की शिक्षक बहाली है। और इसमें जो 2012 में 11 में क्वालिफाई किए हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं, उनके लिए अलग से सीट आवंटित की जाएगी। लेकिन इन लोगों को चूंकि उतने ही अभ्यर्थी पास किए गए हैं जितने सीट थे, तो अब तो इसमें कोई बहाना ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि सबको नियुक्ति मिलेगी, इस पर ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक देखिए बिहार एजुकेशन जो है प्रधान सचिव, अपर प्रधान सचिव जो संजय कुमार, उन्होंने क्या कहा, हैड अ मीटिंग विद BSEB एंड इट्स टेक्निकल पार्टनर स्टडी टू रिव्यू द पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग एसटीईटी रिजल्ट्स ऑफ उर्दू संस्कृत एंड साइंस। उन्होंने कहा कि हैड अ मीटिंग विद BSEB के साथ उनका मीटिंग हुआ था एंड टेक्निकल पार्टनर जो है उनका स्टडी कल रिव्यू द पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग एसटीईटी रिजल्ट्स ऑफ, उन पे उन्होंने जो रिमेनिंग 3 विषयों का जो उर्दू संस्कृत और साइंस का है उस पर उन्होंने रिव्यू दिया। टेक्निकल इश्यूज हैव बीन सॉर्टेड आउट, यानी जो एक तकनीकी गड़बड़ी थी उसको सॉल्व कर लिया गया है और एक्सपेक्टेड आशा की जाती है कि रिजल्ट्स वुड बी पब्लिश्ड बाय 22 जून 2021, यानी 22 जून को रिजल्ट जो है वह पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है, क्योंकि हम लोग का जो एक इंतज़ार था लंबे समय से उनको उन्होंने पूरे कर दिया है। तो अपर प्रधान सचिव का ये बयान कि 22 जून को रिजल्ट आएगा, जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से परेशान थे, वह आखिर आ गया। और ये जो पेपर कटिंग उसको रखिए, देखिए इसमें क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें बताया गया कि अंग्रेजी कितने, गणित, विज्ञान, समाज, यानी सारे कितने सीट है और रिजल्ट किस प्रकार से आती है उस पर भी हम लोग एक नज़र रखेंगे। चूँकि अगर इसका 6ठे चरण से कोई लेना देना नहीं है तो फिर हम लोगों को अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को ये भी सचेत रहना है कि शिक्षा विभाग कहती कुछ और है और करती कुछ और है, तो इस पर भी हम लोगों को एक नज़र बना के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लोग ढीला पड़ेंगे तो ये फिर बड़ी मुश्किल में हम लोग पड़ जाएंगे। तो सीधे नियुक्ति ये बड़ी चीज़ है। और एक जो आंकड़ा है, आप सभी को पता है कि देश की तुलना में बिहार के जो आंकड़ा है बहुत ही बुरा है। आप सभी को पता भी होगा कि यहाँ की हालात जो है शिक्षा विभाग की वो बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे, सबसे अशिक्षित और सबसे कम पढ़े लिखे लोग, महिला हो या पुरुष हो, बिहार में ही हैं। तो हमें इस कलंक को मिटाना है और जो अच्छे शिक्षक अब आएंगे, लेकिन अच्छे शिक्षक तभी आएंगे जब शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग इस पर सजग होगी और मिलजुल कर काम करेगी। और एक और सूचना दे दो कि 20 जून जी याद रखिएगा, 20 जून को फिर से हम लोग ट्विटर कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं और उसमें भाग लेना है। चूँकि जब तक दबाव नहीं बनाएंगे हम लोग तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सरकार जो है वह बिल्कुल सो जाती है जब तक कि उसके कान में जू नहीं रेंगती है। यानी अब हम लोगों को पूरी तरीके से सचेत रह के और हर चीज़ पर, हर पहलू पर हम लोगों को एक नियम के तहत ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग ट्विटर कैंपेन पर लगातार जारी रखें और 20 जून को भी आप लोग रहिएगा, और विशेष जब भी मेरे पास कोई खबर आती है तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तब तक आप निश्चिंत रहें और अच्छा से रहें। जय हिंद।